जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान का शासन कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया तय करने वाला अनुच्छेद 370 जोड़ा गया। उसका काम केवल इतना था कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर राज्य में लागू किया जाए, जो वर्तमान सरकार है उसकी सहमति लेके लागू कर दिया जाए, और जो लागू किया जाएगा उसको जब उसके प्रतिनिधि चुनकर आएंगे उसका रेटिफिकेशन कर देंगे। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत अनुच्छेद 370 प्रस्तुत किया गया संविधान सभा, जिसको विशेष दर्जा कहते रहे। दर्जा कुछ नहीं था, विशेष दर्जा भारत के संविधान में किसी को नहीं है, जिसको है वो कम से कम जम्मू कश्मीर में। इसलिए उस जनता की इच्छा सर्वोपरि है और उसका विश्वास में लिया जाएगा। उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए संविधान सभा में चर्चा हुई। और जब 1976 जब 370 का विषय आया तो वहां संविधान सभा के चुनाव के माध्यम से होनी है, संविधान का सभा का चुनाव कराने की स्थिति नहीं है। और जब संविधान सभा का चुनाव नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में भारत का संविधान चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र बनने वाला था, भारत का संविधान पूरे देश में लागू होने वाला था। ऐसी स्थिति में क्या एक राज्य जो भारत का अभिन्न अंग बन चुका है, महाराजा के हस्ताक्षर के बाद उस पर कोई विवाद नहीं था, जो राज्य का लाया गया और जिस समय लाया गया उस समय 370 पर चर्चा बहुत कम हुई या नहीं हुई। नहीं इसलिए हुई क्यों, जिन्होंने पेश किया गोपाल स्वामी अय्यंगार ने, उन्होंने बताया कि क्यों लाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है और अपना काम पूरा करके चला जाएगा। तो जो चीज टेम्परेरी है उस पर लंबी बहस की जरूरत नहीं थी, ये पूरे सदन को लगा और इसलिए उसके उत्तर नहीं दिए गए। उत्तर किसी ने मांगे नहीं, प्रश्न पूछे नहीं, क्योंकि हाँ एक परिस्थिति है उसके लिए इसको लाया गया है, परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो चला जाएगा। और इसलिए संविधान बनाने वालों की, जिसमें जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे, संविधान बनाने वालों की स्पष्ट इच्छा थी। गोपाल स्वामी अय्यंगार ने जो उत्तर दिया संविधान सभा के सामने, उसमें उन्होंने बताया कि कुछ विशेष परिस्थितियां, विशेष दर्जा नहीं है, विशेष परिस्थितियां हैं। विशेष परिस्थितियां क्या है, राज्य पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, हम वहां की जनता की राय जानना, ये 370 की शर्त नहीं थी, ये जम्मू कश्मीर की भी शर्त नहीं थी, ये कांग्रेस का प्रस्ताव था। आजादी के पहले से कांग्रेस ये मानकर चल रही थी भारत में डेमोक्रेसी आएगी। आप देखें पहले, वरना अगर बात ये नहीं तय पहले से होता तो ये बात यहां से संविधान सभा बात यहां से शुरू करती कि भारत में सिस्टम क्या चलेगा। संविधान सभा में ये चर्चा नहीं हुई कि भारत में डेमोक्रेसी होगी कि नहीं होगी, ये इलेक्ट्रल सिस्टम क्या होगा, तय करके रखा था कि भारत में सब कुछ पहले से तय था। तो कांग्रेस ने प्रस्ताव पहले से पारित कर रखा था कि जो भी राज्य, जो भी रियासतें भारत में शामिल होना चाहेंगी उसकी जनता की इच्छा जानी जाएगी। इसके बावजूद कि जो 1947 का एक्ट और बाद में 25 जुलाई की माउंटबेटन की जो मीटिंग के कार्यवाही है उसमें उन्होंने, और जिन्ना की जो इच्छा या जिद जिसमें उन्होंने तय किया कि केवल राजा लोग तय करेंगे, और उनकी जिद पर तय हुआ कि राजा ही तय करेंगे क्या होगा, और पाकिस्तान में ऐसा हुआ भी। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में कांग्रेस ने तय किया था कि राजाओं की इच्छा से कानून पूरा होगा, लेकिन हम तो जनता को विश्वास में लेकर चलने वाले हैं, इसलिए राजाओं के हस्ताक्षर करने के बावजूद भी जनता को विश्वास में लिया जाएगा। किताब का विमोचन जो है वो किया जा रहा है आर्टिकल 370 को लेकर, इस तरह की बुक है वो क्या, इसमें जो हमें दर्शाया गया कितने सही तत्व में जो है लिखी गई है। जय देवा, आज हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि ये जो किताब जो विजेता सिंह अग्रवाल जी ने लिखा है, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से एक डिपिक्शन किए है कि एब्रोगेशन 370 के बाद कितने फ़ायदा हुए हैं, और कई सारे लोगों ने इस किताब में चैप्टर्स भी लिखे हैं जिसमें एक विषय मैंने भी लिखा है विमेन डेवलपमेंट के को लेके। एब्रोगेशन 370 के बाद हमारे औरतों को बहुत ही अच्छा स्थान मिला है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो यू नो मेन स्ट्रीम में हो। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने तो अभी अभी जम्मू में रैली में ये भी कहा था, अगर आप सबको याद है कि उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 पे एक फिल्म बनी है, उसको भी देखने मतलब जाना चाहिए।
खासियत ये है कि इन्होंने ये जो स्थान चुना है बुक लॉन्च के लिए, ये यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे जो युवा पीढ़ी है हमारे भविष्य है, इनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विमेन के लिए, औरतों के लिए खास करके, डेवलपमेंट इश्यूज़ क्या होती हैं। और आर्टिकल 370 के जाने के बाद हम औरतों की राइट्स कितनी बढ़ गई हैं और हम मेन स्ट्रीम में भी आ सकते हैं और हर क्षेत्र में औरतें आगे आ सकती हैं। मेरे विषय यही है विमेन डेवलपमेंट के ऊपर। बाकी जितने भी लोग आए हैं, इतने इतने अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं इस किताब में, मैं कहती हूँ हर एवरी स्टूडेंट और सबको ये बुक पढ़ना चाहिए और एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए इस बुक के बारे में, क्योंकि इसमें सब काफ़ी सारे ऐतिहासिक बातें भी किए गए हैं और इसके जो एडवांटेजेस हैं और जो पहले हिस्ट्री इसके साथ जुड़ी हुई थी, क्यों था आर्टिकल 370, वो भी लिखा हुआ है। तो मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ सभी लेखिका को एंड लेखक को जिन्होंने इनमें कंट्रीब्यूशन दी है इस बुक के लिए। और मुझे तो और भी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे सुबह प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में बैठी थी तो ये मुझे पता चला कि महारानी तारा देवी जी 1944 में इस कॉलेज को उन्होंने स्थापना की थी। तो देखिए, विमेन एम्पावरमेंट तो 1940 से ही हमारे परिवार ने शुरू किया था और जहाँ की विमेन एम्पावरमेंट आज की डेट में देखा जाए थ्रू द लेंस ऑफ एब्रिगेशन ऑफ 370, बहुत तरक्की है जी। और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि एक्चुअली इसमें बहुत फ़ायदेमंद है और ओबीसी का भी कई सारे फ़ायदा हुए हैं। आप जानते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ओबीसी के लिए और हमारे गुज्जर कम्युनिटी, अभी कहा गया कि गुज्जर, हाँ जी, गुज्जर कम्युनिटी को भी बहुत ही फ़ायदेमंद ये हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो हम जैसे औरतें, कई बार हमारे बच्चियाँ जो हैं, हमारी लड़कियाँ जो हैं, शादी आउट ऑफ स्टेट करते थे और फिर प्रॉपर्टी राइट्स उनके चले जाती थे, अगर आपको याद है। इस आर्टिकल के एब्रोगेशन के साथ हमारे वो भी राइट्स वापस आ गए हैं जी। तो हमारे, हमें कोई वो चिंता नहीं है अब कि अगर बाय चांस हमारे बच्चे स्टेट के बाहर शादी करके चले जाएं तो उनकी प्रॉपर्टी राइट्स कोई भी नहीं छीन सकता इस तरह की किताबें जिस तरह छप रही, नुकसान क्यों? देखिए जी, जब आर्टिकल 370 बना था, अभी मैं सुन ही रही थी, वो कह रहे थे कि एक ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशन बनी थी जो जिसके साथ, मतलब आर्टिकल 370 का उस समय बनाना ज़रूरी था, ठीक है, बट वक्त के अनुसार से आप देखेगा तो चेंज इज़ ऑलवेज वेलकम। प्रोग्रेसिव कैसे होती है जी, चेंज के साथ ही। तो मैं नहीं सोचती हूँ कि कोई नुकसान होगा, मैं तो शायद फ़ायदेमंद है और इन्वेस्टमेंट जितनी भी हो रही है जम्मू कश्मीर में, हमारी तरक्की हो रही है जी इसके साथ बहुत ज़्यादा। तो मैं तो मुबारकबाद देती हूँ सभी को जो इसके साथ, मतलब इस बुक के साथ जुड़े हुए हैं और जो नॉलेज फैला रहे हैं, फ़ायदेमंद ही नॉलेज फैला रहे हैं। तो हम सबको एक्चुअली पढ़ना चाहिए, फिल्म भी देखेगा, बुक भी पढ़ेगा और टेक एडवांटेज ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ 370। थैंक यू।